press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं प्रदीप दुबे। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। प्लीज वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वाच कीजिएगा। आप लोग से बता देना चाहते हैं नौहीरा से एक आपा जी के बारे में। अभी हाल ही में न्यूज में एक ऐड आया था जिसमें बताया गया था उनके प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत से लोग उस न्यूज पेपर को लेकर बहुत सारी गलत बातें अफवाह फैलाए कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की बातें। तो आज मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, इसी विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं जो न्यूज में नौहीरा से एक आपा जी का ऐड आया था उसका मतलब ये था कि नौहीरा से एक आपा जी का जो बिजनेस है, जो प्रॉपर्टी है, उनका हर एरिया, हर क्षेत्र में उनका प्रॉपर्टी है, हर चीज़ उनका जो है हर क्षेत्र, हर जिला में है। उसमें कुछ बातें बयां कर दी गई थी कि इनकी प्रॉपर्टी जो है 200 करोड़ की है, 400 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, ये तरह तरह की बातें उसमें न्यूज में ऐड थी। बट क्या है कि उसमें कुछ लोग उस चीज़ को गलत बना के फैला दिए कि इनके पास प्रॉपर्टी यहाँ पे है, वहाँ पे है, इतनी कम प्रॉपर्टी है, ये बाहर भागने वाली हैं, इंडिया के बाहर चली जाएंगी, सबका पैसा डूब जाएगा, बहुत सारी बातें सामने आई थी। तो मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनको भागना होता तो बहुत पहले ही जा चुकी होती। आज वो एक साल के समथिंग जो है जेल में बैठ के आराम से वहाँ पे तकलीफ़ और दर्द गम नहीं सहती और आप लोग को ये नहीं बताती कि मैं बाहर आने के बाद आपका पैसा दूंगी। आप लोग ये जान लो कि अगर इसको भागना होता है वो किसी को बताता नहीं है, वो चुपके से चोरी से भाग जाता है। भागने के बाद तब उसकी खबर न्यूज में, मीडिया में आती है कि ये इंसान भाग चुका है। तो नौहीरा से आपा जी के मन में भागने वाली ऐसी कोई भावनाएं नहीं है, वो ना भागेंगी और ना ही कोई ऐसा गलत काम करेंगी। उनका एक ही दावा था, उनका एक ही मतलब है कि मैं बाहर आने के बाद सबका पैसा, बारकी बारकी मैं सबका पैसा दूंगी, किसी का पैसा बेमानी नहीं करूंगी। और जो लोग उनके बारे में न्यूज़पेपर को लेकर एक गलत बातें फैला रहे हैं तो मैं उनको ये बातें बयां करना चाहता हूँ। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आप अच्छा खासा इनकम करते हैं, अगर आपका नाम है, शोहरत है, तो आपके जलने वाले लाखों लोग हो जाएंगे। तो यही बातें नौहीरा से एक आपा जी के संग हुआ है। तो उनको ऐसी कोई बातें नहीं है, वो एक अच्छी महिला हैं, ऐसे उनके मन में कोई गलत बातें नहीं है, ना ही किसी का पैसा बेमानी करने की बातें उनके अंदर है और ना ही कोई ऐसी गलत भावनाएँ उनके अंदर। अगर उनके अंदर ऐसी कोई भावनाएं होती तो अब तक वो बहुत पहले ही निकल चुकी होती और करने वाला कोई कुछ नहीं कर पाता, ओनली केस करता, टाइम जाता, समय जाता और पैसे मिलने का टाइम और बढ़ जाता। तो आप लोग इतना जान लीजिए, जो लोग भी गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नौहीरा से एक आपा जी के ऊपर ऐसी बातें और अफवाह फैला रहे हैं, तो ये सब बातें गलत है। मैं आपको एक बातें एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ, जितने भी नौहीरा से एक आपा जी के ऊपर ट्रस्ट करके पैसे लगाए हैं, जो भी हीरा गोल्ड कंपनी के ऊपर पैसे लगाए हैं, उनका पैसा 100% पैसा मिलेगा। बट क्या है कि जब वो बाहर आएंगी तभी इसके बारे में पूरा पूरा अपडेट मिल पाएगा। जब तक वो बाहर नहीं आती हैं तब तक आप लोगों को पूरा पूरा उन पर ट्रस्ट करके इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आप लोग अगर इंतज़ार नहीं करेंगे और ऐसे ही अपने मन में गलत बातें लेकर चलेंगे, किसी का गलत विचार लेकर चलेंगे, कोई आपको चढ़ा बढ़ा देगा कि ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं, तो आपका टाइम स्वयं और बर्बाद हो जाएगा। तो हम जानते हैं इस बात को कि आप लोग इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हो कि ये होगा, वो होगा, पैसा के मिलने का टाइम नहीं आया, एक साल से हम लोग परेशान हैं। तो देखिए, बात परेशान होने की नहीं है, बात होती है टाइम की। अगर आज नौहीरा से एक आपा जी के ऊपर जो लोग चढ़ा बढ़ा कर केस नहीं करवाए होते, गलत एक्शन या गलत बातें नहीं लगाए होते, तो अब तक वो बाहर होती, धीरे धीरे पैसा ज़रूर मिलता। अगर वो बाहर आने के बाद किसी का पैसा नहीं देती हैं तब आपका पूरा पूरा अधिकार बनता है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का। बट जब वो बाहर नहीं आई हैं तो उनके ऊपर आप कोई भी इल्ज़ाम लगा के, कोई भी ऐसी बातें फैला कर, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जो लोग भी न्यूज़पेपर ऐसी कोई बातें को लेकर चल रहे थे, मैं उनको क्लियर बता देना चाहता हूँ, न्यूज़पेपर में यही सच्चाई थी नौहीरा से एक आपा जी का हर क्षेत्र में, हर राज्य में, बड़े बड़े शहरों में उनका, इंडिया के बाहर भी उनकी प्रॉपर्टी है, हर चीज़ उनके पास है। पेपर में ही बातें आया था
कि इसमें किसी प्रकार की गलत भावनाएं लेकर कुछ लोग फैला दिए कि ऐसा है वैसा है, नौहीरा से एक आपा जी के पास कुछ भी नहीं है, वो भागने वाली हैं, सबका पैसा नहीं देंगी, एक साजिश है। इस साजिश में आप लोग कभी मत पड़ना। आप लोग आसानी से और अपने आप पे ट्रस्ट करके इतना जान लो, जब तक नौहीरा से एक आपा जी बाहर नहीं आती हैं तब तक आप लोग इंतज़ार करिए और देखिए वो बाहर आने के बाद आप लोग को पैसा किस तरीके से देती हैं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कुछ न्यूज़ चैनल मीडिया पे ये बातें देखा जो फैला गया था कि नौहीरा से एक आपा जी ऐसी हैं वैसी हैं, पैसा किसी का नहीं देंगी, भाग जाएंगी, दुनिया भर की बातें। कुछ लोग छोटे मोटे डॉक्यूमेंट लेकर चले आते हैं, बोलते हैं कि ये वहाँ से डॉक्यूमेंट आया है, ये वेरीफाई डॉक्यूमेंट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसी कोई बातें नहीं है। सच्चाई इसी चीज़ में है कि जो लोग भी आज नौहीरा शेख कंपनी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं वो सोचते हैं कि सभी इन्वेस्टर लोग जो पैसा लगाएं उनका पैसा डूब जाए, ओनली वो बर्बादी चाहते हैं, गरीब भाई लोग का पैसा खाना चाहते हैं, बेईमानी करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाए, इनके पास जो कुछ है ना रहे और किसी का पैसा ना मिले। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ खुल के एक बातें कि आप लोग अपने आप पे भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, भगवान पे और खुदा के भरोसे रहिए। देखिए नौहीरा से एक आपा जी बाहर आने के बाद किस तरीके से आप लोग को अपडेट और आप लोग का पैसा देती हैं। आज जो है रमजान का लास्ट दिन ख़त्म होने वाला है और आप लोग को एक बातें और बता देना चाहते हैं, इतना दिन तक नौहीरा से एक आपा जी ने खुदा और भगवान दोनों के सहारे रही और उन्होंने रमजान का हर वो पल हर वो दिन खुशी खुशी और तकलीफ सह के दर्द सह के जो भी उनको नसीब हुआ वो आसानी से बिताती रहीं। मैं आप लोग को इस बात को जानता हूँ, महसूस करता हूँ आप लोग के दर्द को, बट इतना जान लो खुदा के भरोसे रहिए, हो सकता है अगले रमजान तक या उसके पहले पहले भगवान आप लोग की विनती स्वीकार करें और ज़रूर आप लोग के साथ में नौहीरा से एक आपा जी रहेंगी और आप लोग को खुशियाँ भी देंगी। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक नोटिस, एक बातें, एक न्यूज़ सभी लोग के लिए दिया था कि जो लोग भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरे पर भरोसा कर रहे हैं मैं उनके साथ रहूंगी और मैं आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी और उनका पैसा बेईमानी नहीं करूंगी, मैं थोड़ी थोड़ी करके उनका पैसा ज़रूर दूंगी। उन्होंने ये बातें अभी कुछ दिन पहले बताया था जो कि मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर दिया था। तो आप लोग अपने मन में अच्छी सोच बनाकर रखिए, भरोसा कीजिए, ज़रूर आप लोग को इंसाफ मिलेगा और ज़रूर आप लोग का पैसा मिलेगा। अभी कोर्ट का अपडेट अब आने वाला है, जून का महीना आ चुका है, फिर से कार्रवाई चालू होने वाला है और बहुत जल्दी सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होगा। जैसे ही कोई न्यू अपडेट, बड़ी खबर आती रहेगी, मैं आप लोग के बीच में ज़रूर पहुंचाऊंगा और आप लोग को अच्छी खबर देता रहूंगा। और जो लोग भी इस कंपनी को बर्बाद करने के लिए तुले हैं, जो भी इस कंपनी के लिए गलत सोचते हैं, वो कंपनी को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जो गरीब भाई लोग, जो गरीब इन्वेस्टर हैं जिन्होंने लोन और कर्ज लेके पैसा लगाया है, ओनली उनको वो परेशान करना चाहते हैं, उनको मुसीबत में डालना चाहते हैं और वो कंपनी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी जेन्युइन है। अगर ये कंपनी जेन्युइन नहीं होती तो अब तक नौहीरा से एक आपा जी को कहीं से भी डिफॉल्ट बेल, क्लीन चिट कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे ही हर जगह से परेशान रहती। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग भी गलत बातें फैला रहे हैं, गलत चीज़ें ला रहे हैं, वो अपने मन में अपने दिल में ऐसी बातें लेकर ना चलें, किसी को ना भड़काएं, भगवान से डरें, खुदा से डरें। अगर आप गलत काम आज करोगे तो आज नहीं तो कल इसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं आप लोग से यही बातें बयां करना चाहता हूं कि जो लोग भी किसी के मन में गलत भावनाएं लाकर पैदा कर रहे हैं, उनके विचार में ऐसी विचार ला रहे हैं कि वो टकराव करें, तनाव करें, और जो लोग भी इस कंपनी से जुड़े हैं वो केस करें, FIR करें और सबका पैसा डूब जाए, चला जाए पानी में। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग एकता बना के अपने मन में अच्छी सोच बना के रखिएगा और देखिए भगवान क्या करते हैं। मैं आप लोग से इतना दावा करता हूँ और प्रोमिस करता हूँ कि जब तक इस कंपनी का मैटर सॉल्व नहीं होता है, जब तक आप लोग का पैसा नहीं मिल जाता है, मेरी आवाज़ आप लोग के साथ रहेगी और जो भी कानून अपडेट देगा, जो भी कोर्ट से अपडेट आएगा, जो भी मेरे पास अपडेट आएगा, मैं आप लोग के बीच में पहुंचाता रहूंगा। कभी भी आप लोग को मैं गलत जानकारी, गलत न्यूज नहीं दूंगा और ना ही आप लोग के मन में गलत भावनाएं पैदा करूंगा। आप लोग ओनली भगवान पे और खुदा पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपका भगवान और खुदा नहीं बिगाड़ेंगे तो इंसान आप कभी नहीं बिगाड़ सकता। हम इस बात को मानते हैं कि आप लोग जो दर्द और तकलीफ़ झेल रहे हैं उस चीज़ को हम
महसूस करते हैं और मानते हैं, बट आप लोग के सामने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो लोगों ने गलत काम करके इस कंपनी को फंसा दिया, तो आप लोग जानते हो कि जब प्रॉब्लम आती है धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो आप लोग ट्रस्ट कीजिए और खुदा पे यकीन कीजिए, क्योंकि खुदा के बिना कोई काम नहीं होता है। जब तक आप लोग को दर्द और तकलीफ़ खुदा दिए हैं, उसको आप लोग महसूस कीजिए और खुदा के भरोसे रहिए। देखिए खुदा कब तक आप लोग की परीक्षा लेते हैं। बस इतना ही कहना था। अभी कोई बड़ी अपडेट आएगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।